नमस्कार, मैं हूं कुणाल बजाज और आप देख रहे हैं द ओपिनियन। आज मैं आपके लिए दो स्टडीज लेके आया हूं कोरोना वायरस से रिलेटेड। दोनों ही ऐसी स्टडीज है कि शायद आप सुन के चौंक जाएंगे। और पहली तो ऐसी है कि जिसके विपरीत WHO ने गाइडलाइंस दी थी पहले। तो शुरुआत करते हैं पहली से, जो कहती है कि मैन आर मोर लाइकली टू गेट अफेक्टेड देन वुमेन फ्रॉम कोरोना वायरस, यानी कि आदमियों को कोरोना वायरस ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है औरतों की तुलना में। तो ये सुनने के बाद आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ शायद ऐसा हो, क्योंकि आदमी ज़्यादा बाहर जाते हैं या अभी समय ऐसा चल रहा है कि आदमी ज़्यादा बाहर जा रहे हैं सामान लेने। लेकिन हम आपको बता दें, ऐसा नहीं है। सिर्फ कोरोना वायरस होने की रेट नहीं, कोरोना वायरस होने के बाद हॉस्पिटलाइजेशन की रेट, हॉस्पिटल में एडमिट होने की रेट, वेंटिलेटर पे जाने की रेट और फर्टिलिटी रेट, मरने की दर भी आदमियों की ज़्यादा है और औरतों की कम है। अगर हम आदमियों की बात करें तो फर्टिलिटी रेट आदमियों में 2.8% है, वहीं अगर औरतों की बात करें तो उनमें फर्टिलिटी रेट 1.7% है। अगर इसको और ढंग से मोटे मोटे तौर पर समझाया जाए तो अगर 100 आदमियों को कोरोना वायरस हो रहा है तो उसमें से 3 आदमियों की जान जा रही है, लेकिन अगर 100 औरतों को कोरोना वायरस हो रहा है तो उसमें से 2 औरतों की जान जा रही है। वैसे ऐसा पहले भी कई बीमारियों में हुआ है, मतलब ये वायरस भी शायद उन्हीं बीमारियों का पैटर्न फॉलो कर रहा है। जैसे कि एक थ्योरी है कि मैन आर मोर लाइकली टू डाई यंग देन वुमेन, और आदमियों को हार्ट की बीमारियां भी औरतों से ज़्यादा होती है, और ज़्यादा होने के अलावा हार्ट की बीमारी से मरने का दर भी आदमियों में ज़्यादा है औरतों से। हो सकता है ऐसा भी हो। लेकिन अगर हम दो पेंडेमिक को कंपेयर करें तो 1918 में जो पेंडेमिक आया था जिसका नाम है स्पेनिश फ्लू, उससे इंडिया में करीबन 1,80,00,000 लोगों की जान गई थी। वो इससे काफ़ी ज़्यादा भयानक था और दुनिया में करीबन 10 से 15 करोड़ लोग उसके शिकंजे में आके जान गवा बैठे थे। अगर हम उसका डेटा स्टडी करते हैं तो वो ये बताता है कि उस टाइम पे औरतों को स्पेनिश फ्लू से ज़्यादा जान का खतरा था और औरतों ने काफ़ी ज़्यादा आदमियों के मुकाबले उस समय जान गवाई थी। और अभी अगर इस पेंडेमिक की बात करें तो इसका डेटा है जो वो इसके उल्टा दिखाता है। तो ये जो डेटा है ये चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन से आया है, लेकिन US का भी एक डेटा ऐसा ही है जो यही दिखाता है। वहाँ का डेटा, स्टार्टिंग का जो डेटा था वो 5,700 जो स्टार्टिंग में कोरोना वायरस से अफेक्टेड लोग आए थे उनके बेसिस पे था, जो ये दिखाता था कि 60% से ज़्यादा लोग मैन थे और 40% या उससे थोड़े कम लोग फीमेल थी जो कोरोना वायरस से अफेक्ट होकर हॉस्पिटलाइज हुए थे। तो अगर हम इस डिफरेंस की बात करें मैन और वुमेन के कोरोना वायरस से अफेक्ट होने की, तो ये जो डिफरेंस है ये ज़्यादा ही एविडेंट हो जाता है 50 साल के लोगों के लिए और उससे ज़्यादा के लिए। मतलब अगर 60 से 70 साल की उम्र के लोग हैं तो उनमें ये डिफरेंस अच्छे से एविडेंट है, मतलब कि जो दोनों में फ़र्क है, आदमियों में कोरोना वायरस ज़्यादा है और औरतों में ये कोरोना वायरस कम मिल रहा है और कम ही इसकी फर्टिलिटी रेट है। तो दुनिया भर में इसके ऊपर स्टडी चल रही है, रिसर्च चल रही है कि ऐसा क्यों है। ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है इसका जब साइंटिस्ट को, डॉक्टर को इसका जब आंसर मिल जाए तो इसकी वैक्सीन बनाना उनके लिए इजी हो जाए, या फिर अगर वैक्सीन बनाना इजी ना हो तो कम से कम इसका क्योर करना, जब होने के बाद इसको क्योर करना इजी हो जाए, लोगों को ठीक करना आसान हो जाए और जल्दी हो जाए और अभी के मुकाबले हो सकता है ज़्यादा लोग ठीक होने लगें। क्योंकि ऐसा इसलिए भी हो सकता है वुमेन सेक्स हार्मोन की वजह से, जैसे कि एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ऐसा वुमेन सेक्स हार्मोन है जो उनको इम्यून करता है सब वायरसेस से और बीमारियों से। तो अभी डॉक्टर्स स्टडी कर रहे हैं, उनके पास जो डेटा है वो बहुत ही अभी इनिशियल स्टेज का है, अभी किसी भी प्रकार के वो पूरी तरीके से कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं, वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है और उनको इसके लिए और डेटा की ज़रूरत है। तो चलिए अब आते हैं हम दूसरी स्टडी पे। दूसरी स्टडी हो सकता है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, जो कहती है कि नॉन स्मोकर्स आर मोर लाइकली टू गेट अफेक्टेड देन स्मोकर्स फ्रॉम कोरोना वायरस, यानी कि जो सिगरेट नहीं पीते उस वो जल्दी बीमार हो रहे हैं, उन पर कोरोना वायरस ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, जल्दी अफेक्ट कर रहा है, बल्कि उनके जो रेगुलर स्मोकर्स हैं। जो WHO की स्टार्टिंग में गाइडलाइंस आई थी वो भी इसके बिल्कुल विपरीत थी, जो कहती है कि आपको सिगरेट बिल्कुल नहीं पीनी है, जो आपको अल्कोहल बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना है। वैसे ये अल्कोहल के बारे में नहीं है, अभी जो स्टडी आई है वो सिर्फ स्मोकिंग के बारे में ही है।
पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर जाके सिगरेट हाथ में पकड़ के स्मोक करें और खुद को खुश करें कि हम कोरोना वायरस से बच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं। लेकिन जिस जिस जगह से ये स्टडी या रिसर्च सामने आई है वो यही चीज़ इंडिकेट कर रही है कि स्मोकर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक कोरोना वायरस से बच रहे हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है अभी भी डॉक्टर्स ढूंढ रहे हैं। जैसे पेरिस से एक स्टडी आई, वो कहती है कि सिर्फ जो 29 मार्च से लेकर 9 अप्रैल तक जो लोग वहाँ पर आए, 482 लोग पेरिस के हॉस्पिटल में जिनसे ये सवाल पूछा गया, तो उनमें सिर्फ 5% ऐसे लोग थे जो स्मोकर्स थे, जबकि पेरिस की आबादी में 25% लोग स्मोकर हैं। तो अगर आप रेशो देखें तो उसमें काफ़ी फर्क आ जाता है। इसके बाद ऐसी ही स्टडीज दुनिया के काफ़ी अलग अलग देशों से आई, जैसे कि चाइना से, अमेरिका से, फ्रांस से। तीनों ही जगह से स्टडी ने यही दर्शाया कि जो नॉन स्मोकर्स हैं उनको ये जल्दी हो रहा है और वो इससे बीमार भी काफ़ी जल्दी हो रहे हैं, बल्कि उनके जो स्मोकर हैं। लेकिन डॉक्टर्स और रिसर्चर्स का कहना है कि अभी वो किसी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए या इस बात को बहुत एविडेंटली कहने के लिए उससे दूर हैं, क्योंकि ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स तरह का डेटा है और इस बात को प्रूव करने के लिए, किसी पक्के कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए उनको काफ़ी डेटा चाहिए जो कि इस इनिशियल स्टेज में उनके पास मौजूद नहीं है। टॉम ग्लिन जो टोबैको कंट्रोल एक्सपर्ट है, उनका भी यही मानना है, जबकि उन्होंने वो भी यही कहते हैं कि जो एक्सपेक्ट करते थे सब डॉक्टर्स जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो यही था कि जब कोरोना वायरस फैलेगा तो स्मोकर्स जो होंगे वो ज़्यादा बीमार होंगे, वो ज़्यादा हॉस्पिटलाइज होंगे, उनकी जो दर होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। लेकिन ये जो डेटा सब जगह से दुनिया के अलग अलग देशों से आ रहा है वो इसका बिल्कुल उल्टा है और उल्टा दिखा रहा है। इसके पीछे क्या वजह है ये वो भी अभी साफ साफ नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन उनका कहना भी यही है कि वो खुद भी चौंके हुए हैं ये सुन के और डेटा को देख के। ऐसा क्यों है, ऐसे कॉन्क्लूजन पर पहुंचने के लिए उनको काफ़ी डेटा की ज़रूरत है जो इस समय पर मौजूद कहीं भी नहीं है, और आने में, डेटा आने में, उस पर स्टडी करने में और पक्के कॉन्क्लूजन पर पहुंचने में अभी टाइम है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी वो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इसी तरीके से हमें देखते रहने के लिए, हमारी वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने के लिए, हमको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।